गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट मार्केट की सिचुएशन की। अगर हम देखेंगे डॉज कॉइन की बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, 1.4 बिलियन डॉज कॉइन को बेचा गया है। रिच क्वाइक कॉइन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्या कुछ अपडेट्स हैं, नई लिस्टिंग बात करेंगे, बिटगेट प्राइस में क्या नया यहाँ पर देखने मिल सकता है बात करेंगे दोस्तों, फ्लोकी इनू का अंडा शायद बहुत ही जल्द फूटने वाला है, क्या कुछ आएगा उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। एंड बात करेंगे दोस्तों बेबुडॉज कॉइन को लेके, क्या कुछ नई अपडेट्स है एंड क्या कुछ इस सब कॉइन में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं वन बाय वन क्या कुछ अपडेट्स चल रहा है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सबसे पहले दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट पे। जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट दोस्तों पिछले अगर मैं कहूँ लगभग 15 दिनों से आपको 1.18 ट्रिलियन, 1.17 ट्रिलियन, 1.19 ट्रिलियन, मतलब 1.17 ट्रिलियन से लेके 1.2 ट्रिलियन के आसपास का ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप दिखेगा। एंड बिटकॉइन अगर हम देखेंगे लास्ट 24 आवर या फिर बात करेंगे पिछले 5 से 6 दिनों में वही 28,000, 28,100, 200, 27,800, 900 के आसपास चल रहा है, यानी कि एक साइडवाइज मूवमेंट से मूवमेंट कर रहा है। जो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे अगर इस तरीके से और भी कुछ दिन चला एंड बिटकॉइंस का अगर मैं बात करूँ डोमिनेंसी घटता हुआ दिखा, जो कि अभी यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो ऑल्ट कॉइन का सीजन बहुत जल्द आ सकता है। बट ऑल्ट कॉइन में कोई ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे शिबायनु से लेकर हर एक ऑल्ट कॉइन अभी भी वही नीचे है एंड डॉज कॉइन को थोड़ा उठाया गया था वो भी नीचे आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉज कॉइन को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट वीक अगर बात करेंगे 2 से 3 दिन पहले इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को उठाया था सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का लोगो चेंज करके। एंड जब यहाँ पर प्राइस में अच्छा खासा पंप आया तो यहाँ पर दो बड़े वॉलेट्स जिनका वॉलेट में लगभग 1.4 बिलियन के आसपास का डॉज कॉइन था, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लगभग दोस्तों $130 मिलियन का यहाँ पर डॉज कॉइन को सेल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर गई डॉज कॉइन को। बट फिर से कब कोई ट्वीट्स आ जाए क्या पता करे, इलन मस्क कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो मतलब होल्डिंग रखना यही मतलब समझदारी है, होल्डिंग नहीं रखोगे मतलब प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रिच क्वैक कॉइन को लेके क्या कुछ अपडेट्स है। तो रिच क्वैक कॉइन भी बहुत दिनों से लिस्टिंग नहीं दे रहा है एंड अगर बात करेंगे रिसेंटली दो नए लिस्टिंग रिच क्वैक कॉइन पर देखने मिली एंड यहाँ पर रिच क्वैक का शायद कुछ एड्रॉप भी चल रहा है। तो जैसे कि आप आओगे यहाँ पर 3.5 ट्रिलियन रिच क्वैक टोकन पर रिवार्ड की तरह यहाँ पर कुछ टारगेट या फिर कुछ अचीवमेंट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है जहाँ पर आप ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब नीचे थोड़ा जाएंगे तो आप देख सकते हो बीकोनमी एंड अगर बात करेंगे क्वाइन रेबिट पे मतलब रिच क्वैक कॉइन का यहाँ पर लिस्टिंग, मतलब बहुत दिनों बाद लगभग 6 से 7 महीने बाद रिच क्वैक कॉइन ने पहली बार एक साथ दो एक्सचेंज पे लिस्टिंग दिया है, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे चलिए अच्छी बात है रिच क्वैक होल्डर्स के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लिस्टिंग बढ़ेगा तभी तो जाके कुछ प्राइस में हलचल दिखेगा, वरना ये डाउन ट्रेंड मार्केट में तो कुछ भी नहीं हो रहा। बात करेंगे अगर रिच क्वैक की बर्निंग की तो वो भी अभी बर्निंग नहीं कर रहे हैं डेवलपर, देखते हैं कब कुछ क्या करते हैं, कब तक बर्निंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बिटगेट प्राइस को लेके क्या कुछ अपडेट्स है। तो बिटगेट प्राइस की ऑलरेडी हमने देखा मतलब कार एंड ये वो कुछ तो बहुत कुछ आने वाला है एंड बहुत मासिव स्ट्रैटेजिक मूव पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बिटकॉइन प्राइस के लिए, मतलब बिटकॉइन प्राइस टीम के लिए, डेवलपर के लिए एंड बिटकॉइन प्राइस कम्युनिटी के लिए, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिग न्यूज बिटकॉइन प्राइस इज ब्रिंग टू सिक्योरिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप एंड बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा एंड शायद कुछ बड़ा यहाँ पर करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट लेने वाले हैं जो कि बिटकॉइन प्राइस का फ्यूचर को यूटर्न दे सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट कभी भी दोस्तों यहाँ पर आउटकम नहीं देता है कि एक दो दिन में आपको अच्छा रिटर्न दे, एक दो दिन में आपको अच्छा रिटर्न देगा वही गैम्बलिंग एंड बात करेंगे स्कैम चीज़ें। जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन से रखा जाएगा उसी से आपको उम्मीद किया जा सकता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन भी एक अच्छा रिटर्न दे एंड वो हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर फ्लोकी इनू को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है। तो फ्लोकी इनू का दोस्तों अंडा अभी तक फूटा नहीं। फ्लोकी इनू ने यहाँ पर कुछ ही दिन पहले ये मतलब 25 मार्च को यहाँ पर ये ट्वीट दिया था एंड जहाँ पर बताया था कि स्पेशल आने वाला है। एंड अगर हम बात करेंगे बाइनांस पे भी कुछ यहाँ पर चल रहा है ईस्टर एक प्रोग्राम, जैसे कि आप देख सकते हो ड्रॉ योर बाइनांस एग एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे बाइनांस ईस्टर चैलेंज यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पर शायद फ्लोकी इनू अभी अंडे से फूटे एंड अंडे से फूटने के बाद क्या निकलेगा, मेटावर्स गेम का कोई कॉन्सेप्ट या फिर बाइनांस। अब जैसे कि हमने देखा था कि ये बाइनांस से हूबहू मैच करता है तो क्या निकल के आता है देखते हैं। अभी बहुत शायद बहुत जल्द ये चीज़ें भी निकल के आ जाएगी एंड अच्छी
मतलब अगर कुछ बड़ी यहाँ पर एक्सचेंज लिस्टिंग की हाइप आ जाती है तो कहीं ना कहीं फ्लोकिनो में एक बार अच्छा खासा फिर से एक मतलब 30-40-50% तक का बूम भी देखने मिल सकता है, बट बाशर्ते यहाँ पर कि लिस्टिंग इसका एक अच्छा मतलब बायनांस जैसे बड़े एक्सचेंज पे होना है। एंड बायनांस जैसे बड़े एक्सचेंज पे ना भी हुआ तो एक बड़ा एक मतलब छोटा एक ट्विस्ट चाहिए इलोन मस्क का, बट इतना ही बहुत कुछ होगा फ्लोकिन को ऊपर ले जाने के लिए। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बेबीडॉज कॉइन का क्या कुछ अपडेट्स चल रहा है। अब बेबीडॉज कॉइन दोस्तों बिलबोर्ड पे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो बेबीडॉज कॉइन का एक अनदर इंटीग्रेशन बेबीडॉज एंड एंट मतलब नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। एंड एंट नेटवर्क क्या है तो आप देख सकते हो वेब थ्री गीक मार्केट प्लेस जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं एंड 250 प्लस अगर हम देखेंगे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स हैं एंड 300 प्लस यहाँ पर सर्विस भी है, जो कि अभी अगर आप देखोगे ये कहाँ का है एग्जैक्टली मुझे पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो छोटे छोटे मीम प्रोजेक्ट्स भी अभी कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिलबोर्ड पे आने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं एक ह्यूज एड कैंपेन की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये कुछ डिटेल अपडेट्स था पूरी क्रिप्टो मार्केट की। अगर हम बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है कौन से कॉइन पे, फिर एक नए अपडेट पे मिलेंगे, फिर एक नए लेटेस्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।